कल की पंचायत यहाँ पे होगी और जो भी इसमें फैसला लेंगे हम पूर्ण रूप से सख्त फैसला इसमें लिया जाएगा। ये इस तरह का जो बार बार हो रहा है इससे निपटा जाएगा। जो कल सब कुछ हुआ उससे क्या किसान आंदोलन को नई मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मजबूती मिलेगी। ये जितने लाठीचार्ज चलाएंगे जितना किसान का खून बहेगा उतना ही किसान मजबूत होगा। आज की रैली में क्या संदेश नूह जा रहे हैं? शायद आज नूह जा रहे हैं, इसके बारे में सबको पता है। जब हम कल शिमला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो वहाँ पे इधर लाठीचार्ज हो रहा था, उधर वहाँ के लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि ये पूरी अपडेट चल रही थी वहाँ पे। सर आप मिल जो जिनको चोटें लगे, जिन किसानों को कल लाठीचार्ज में चोटें लगी उनके मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको मेडिकल हो रहा है या नहीं? अभी नहीं हो रहा। आज यहाँ पे पूर्ण रूप से वकील भी यहाँ पे बुलवाए हैं और जितने लोगों का चोट लग रही है यहाँ पे सब लोग अपने रहेंगे संगठन के लोग और वे सबका यहाँ पे मेडिकल यहाँ पे करवाएंगे, ये उनको कहा गया है। और आगे की जो भी रणनीति बनेगी वो शाम तक मीटिंग क्या रहेगी, किस चीज को लेकर आप मीटिंग कर रहे हैं कल? इसके संबंध में मीटिंग होगी, इसके विरोध, बिल्कुल इसके विरोध में मीटिंग होगी। सर एक डायलॉग नहीं, हम नहीं वापिस हो जाने चाहिए कानून आपके साथ, ये तो सरकार बताएगी। लाठीचार्ज जो हुआ है चार दफा, पहली दफा हमने भी देखा है लाठीचार्ज, ऐसे लाठीचार्ज नहीं होता। एक बार देखा होगा, दो बार देखा होगा, तीन बार देखा होगा। हमने कहा कि देश पे सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है, देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद है, इन कमांडरों की पहचान करनी पड़ेगी। कमांडर है सर इसका? ये जो उसने आदेश दिया सिर्फ फोड़ने का, वही तो कमांडर है। करनाल में अभी सुबह हाँ, तो करनाल में तो वो तो दिखाएंगे ना कि मैं सरकारी तालिबानों का कमांडर हूँ, मैं पुलिस फोर्स के दम पे यहाँ पे हूँ और आए मेरे सामने किसान, पुलिस फोर्स की ताकत पे वो कब्जा करना चाहते हैं पूरे देश। सर वीडियो जो वायरल हो रही है उसको क्या कहेंगे? जो कह तो दिया ना सरकारी तालिबानों का कमांडर, और क्या कहो।